यहाँ पे कब से हैं? ये मेरे को 12 ईयर हो गए। 12 ईयर हो गए। और ये जो आपकी शॉप है इसके बारे में थोड़ा बता देंगे प्लीज। ये शॉप हमारी 12 ईयर पहले खुली थी भाविका जेनी जंक्शन के नाम से है। जी वो है भाविका जेनी जंक्शन। जी और ये एक्चुअली लुधियाना में फेमस है और ओनली भटूरे चने। ओनली भटूरे चने मतलब भटूरे चने आपके यहाँ पे इतने फेमस है। ओके तो आपका यहाँ पे टाइमिंग वगैरह क्या होता है? हमारा टाइमिंग है 9:00 से 4:00। और कोई छुट्टी वगैरह? छुट्टी कोई नहीं होती है। मतलब आप हफ्ते के 7 दिन यहाँ पे 9:00 से 4:00 तक होते हैं। यस यस। आपका भटूरे चने जो आपकी सबसे ज़्यादा फेमस है उसकी प्लेट का प्राइस क्या है? ये 90 रुपीज़ है इसका प्लेट का रेट। 90 रुपीज़। और बीच में क्या क्या होता है उसके प्लेट के? इसमें होते हैं चने और आलू और कॉम्प्लीमेंट्री आलू है और चटनी प्याज सब सैलड वगैरह सब कुछ होता है। और भटूरे कितने? भटूरे 2। और आप थोड़ा हमें अपना मेकिंग वगैरह दिखाएंगे? यहाँ का भटूरा जो है वो स्पेशल है, इसमें पनीर की स्टफिंग है। आपके छोले में कोई खास बात है जो इतने ज्यादा रश लगाते हैं? हम रोज देखते हैं। हमारे जो मसाले हैं वो दिल्ली से, पहाड़गंज के जो है वो एग्जैक्ट वहीं से ही आए। मतलब आप ऑथेंटिक फ्लेवर सर्व कर रहे हैं, उसी की वजह से मशहूर है, कहीं भी नहीं है। जी हम रोज देखते हैं यहाँ पे, सुबह से शाम तक रश ही लगा होता है। तो आप यहाँ पे अकेले होते हैं? कोई हेल्प वगैरह भी करता है? नहीं, ये मेरा ब्रदर है। अच्छा, पहले ओनर सर। मैं दिल्ली से। जी आप दिल्ली से हैं। तभी आप देखिए मैम को पता है कि इतना ज्यादा जो ये दिल्ली पहाड़गंज के जो फ्लेवर्स आपको यहाँ पे खाने को मिल जाते हैं, इसलिए इनको प्रॉपर ऑथेंटिक जो छोले भटूरे हैं वो अच्छे से यहाँ पे आपको सर्व करने को मिल जाते हैं। तो आप देखिए पूरी टीम यहाँ पे आपको दिल्ली से मिल जाती है। देखिए आप और साथ में आप देखिए क्या बढ़िया बढ़िया प्लेटें तैयार होती जा रही हैं जितनी देर में हम खड़े हैं। तो अब हम इसकी मेकिंग देखते हैं कि छोले भटूरे जो 90 रुपीज में हमें मिल जाते हैं उनकी मेकिंग कैसे है। ये पनीर की स्टफिंग है, फ्रेश पनीर का भटूरा है हमारा। इसमें क्या क्या आपने डाला हुआ? पनीर है, धनिया है, मसाला है। जी हमारे एक्चुअली जो कारीगर है वो भी वहीं के ही हैं, पहाड़गंज के ही। इवन की हमारा मसाला वगैरह भी वहीं से ही आता है। तो ये है भाविका जी, इनके नाम से जी शॉप खुली हुई है। इसकी प्लेट है भटूरे हैं, चने हैं, आलू हैं, ये हमारे चने हैं, ये आलू मसाले वाले हैं। मसाले वाले आलू आप यहाँ देते हैं, क्या बात है। और ये हरी चटनी है, सैलेड है एंड प्याज। और आप चटनी में क्या क्या डालते हैं? अरे वाह क्या बढ़िया चटनी लग रही है यहाँ पे, देख के बहुत फ्लेवरफुल लग रहा है यहाँ पे जो अरेंजमेंट कर रखा है, क्या बात है। 90 रुपीस में आप देखिए आपको सैलेड मिल जाता है, आपको अचार मिल जाता है, आपको चने बहुत बढ़िया मिल रही है, मसाले वाले आलू भी मिल गया। थोड़ी देर में हम आपको प्लेट का टेस्ट करके दिखाते हैं। कितना टाइम हो गया सर आपको खाते हुए? सर हम लास्ट दिसंबर से खा रहे हैं। अच्छा लास्ट संडे। एवरी संडे आ रहे हैं आपको? कितना अच्छा लग रहा है। यस सर। सर हम PAU के अंदर स्टडी करते हैं। अच्छा आप स्टडी करते हैं, आप मतलब बहुत बढ़िया लगते हैं। तो भाई हमारी आज के छोले भटूरे की प्लेट, छोले भटूरे की प्लेट है 90 रुपीज़ की। 90 रुपीज़ में आप आइटम देखो, दो भटूरे हमें मिलते हैं, अभी हमने एक ही लिया है क्योंकि ठंडे हो रहे हैं, ठीक है। एक ये बढ़िया प्लेट छोले भटूरे के साथ आलू जरूर मिलते हैं। आलू छोले भटूरे की प्लेट में ना हो तो थोड़ा अजीब सा लगता है, अभी नहीं लिए पर आलू अच्छा किया ना उन्होंने, साइड पर दिया। कई लोग ना छोले के ऊपर डाल के देते हैं, वो चीज़ क्या होती है, आप छोले भटूरे ऑथेंटिक खाने हैं बीच में आलू कहाँ से आ जाता है। तो यहाँ पे बढ़िया लगता है। और साथ में बढ़िया अचार, अचार में आप देखो गाजर दे रखी है, चटनी दे रखी है और दे रखा है मिर्ची का कैप्सिकम। और साथ में हमने थोड़े से एक्स्ट्रा छोले ले लिए क्योंकि भाई संडे का दिन है, भूख लगी हुई है, खाना खाना चाहते हैं। आप ये देखिए छोले के ऊपर क्या बढ़िया पनीर इन लोगों ने डाल के दे रखा है, ये वही वाली स्टफिंग है जो ये भटूरे के अंदर डालते हैं, क्या बढ़िया स्टफिंग ये डालते हैं। भटूरा आप देखिए पनीर की क्या बढ़िया स्टफिंग इन लोगों ने डाल दी है, वो गर्मा गर्म भटूरा है। और फटाफट से इसका टेस्ट टेस्ट करते हैं। और ये देखो जी भटूरा बिल्कुल सॉफ्ट भटूरा है, ऐसे टूट रहा है मक्खन की तरह। और जी ये बन गई हमारी बाइट, क्या बात है। मुँह में जाते मक्खन की तरह घुला यार छोले, A1 क्वालिटी। मिर्ची मसाले जैसे पहाड़गंज का ऑथेंटिक फ्लेवर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर है। साथ में अभी हम आलू खा के भाई बहुत टेस्टी खाना है, हम आपको हाईली रेकमेंड करते हैं। हम आपको एक बार लोकेशन बता देते हैं।